खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। रीवा के सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने खबर समय जगत को बताया कि मनगवा तहसील में फर्जी राजस्व अदालत बनाकर अनुविभागीय अधिकारी मनगवा के खसरा सुधार का आदेश और फर्जी प्रकरण चलाकर 2 दर्जन से अधिक किसानों की भूमि हड़पने की साजिश की, जिसकी शिकायत संभागायुक्त से की गई है। क्या है पूरा मामला, यह जानने के लिए सुनिए सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला को। एक आपने शिकायत की है, ये पूरा क्या मामला है? देखिए, रीवा जिले के अंतर्गत मनगवा तहसील में एक फर्जी अदालत बनाकर निजी भूमि स्वामियों की जमीन हड़पने की साजिश रची गई। वर्ष 2021 में एक हमारे पास इस आशय के 7 आदेश मिले, जिन आदेशों में पटवारी को इस्तलावी करने के लिए फाइल गई उसी में आदेश संलग्न थे और वो निजी भूमि स्वामियों का नाम काट के दूसरे का नाम दर्ज कर दिया गया। इस आशय के जो आदेश हैं वो वैधानिक रूप से वो वैधानिकता उनकी बनती है, इसलिए वैधानिकता बनती है कि वो ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि वैधानिक हैं। उसमें टिकट लगी है, उसमें प्रकरण क्रमांक लगे हैं और यहाँ तक कि जिस दलाल ने पटवारी के पास यह आवेदन पहुँचाया, मतलब रिकॉर्ड स्थलावी के लिए पहुँचाया, तो कार्यालय से आदेश जारी होने के बाद पहुंचाया गया। यानी वो दलाल, वो भूमाफिया ये जानता है कि ये आदेश कहाँ से जारी हुए हैं। तो जब हमारे पास इस आशय के आदेश प्राप्त हुए कि इस प्रकार संदिग्ध कुछ आदेश में प्रश्नवाचक थे, कुछ भिन्नताएं थी, तो हमने तुरंत उस आदेश का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद जो प्रकरण क्रमांक देखा तो प्रकरण क्रमांक जो जारी था उस आदेश में वो पूर्व में किसी दूसरे के नाम दर्ज है। तो जब इस प्रकार की संदिग्धता उन आवेदनों में, उस आदेशों में हमें प्राप्त हुई, तो हम इस परीक्षण करने के बाद माननीय आयुक्त महोदय का ध्यान आकर्षित कराया और उनसे आग्रह किया कि इस प्रकार की कूट रचित मनगढ़ंत फर्जी दस्तावेजी के आधार पर निजी भूमि स्वामियों की निजी भूमियां, बेशकीमती भूमियां लोग फर्जी दस्तावेज बना के अपना नाम दर्ज करा रहे हैं और लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में लोक सेवा केंद्र के कुछ कर्मचारी या लोक सेवा केंद्र की भूमिका, साथ में अनुविभागीय कार्यालय की भूमिका और अनुविभागीय अधिकारी एके सिंह की भूमिका, वर्तमान में एके सिंह अभी दो तीन दिन पहले उनका पदांकन वहीं हुआ है, इसके पहले भी 2021 का जब प्रकरण है इसमें भी एके सिंह वहां पर अनुविभागीय अधिकारी के रूप में बतौर पदस्थ थे। इस प्रकार के आदेश होने से आम जनता में क्या मैसेज जाएगा? आम जनता त्रस्त है, पूरी तरह खसरा सुधार के आवेदन पूर्णतः मनगवा में, और भी प्रकरण ऐसे हैं, मध्य प्रदेश शासन की भूमियां, निजी भूमियां फर्जी तरीके से लोगों के टेम्परिंग करके कर रहे हैं, ये पूरे साजिश में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय साजिश है, शामिल है। इसलिए कि जो प्रकरण क्रमांक से प्राप्त हुए हैं, यह प्रकरण क्रमांक बिना कार्यालय से कैसे प्राप्त होंगे? हम ये कहते हैं ये प्रकरण क्रमांक दूसरे के नाम भी दर्ज है, तो ये प्रकरण क्रमांक हूबहू दिनांक क्रमांक कैसे आपको पता हुआ? यानी कहीं ना कहीं ये टिकट लगा हुआ, टिकट निरस्त हुआ, इस प्रकार की सील, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की सील, SDM के हस्ताक्षर, रसीद, प्रकरण क्रमांक, कहीं न कहीं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है। मैं इस प्रकरण की, ये कई करोड़ों की भूमि बेशकीमती भूमि का मामला है, हम इसकी माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से उनके संज्ञान में प्रकरण लाए हैं, इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं और अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार यदि रीवा जिले में अन्य तहसीलों में भी हो रहा उसके रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो है पार्टी किसको बनाया गया है? इसमें आवेदक की भूमि में जो अनावेदक गण है उनको पार्टी नहीं बनाई गई, मध्य प्रदेश शासन को बनाया गया और मध्य प्रदेश शासन को पार्टी बना के व्यवस्थित कर दिया गया। हमारा ये आग्रह है कि इस प्रकार की योजना बनाई गई, योजना बना के फर्जी अदालत शनिवार को वहाँ लगाई जाती है और 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं और संबंधित मनगवा तहसील के अंतर्गत कितने गांव आते होंगे और पूरे तहसील के लगभग 19-20 कहीं ना कहीं हर गांवों में ये जमीन का टेम्परिंग करने का, खसरा सुधारने का ये मामला चल रहा है। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.